यह वीडियो सांपों को लोगों के बीच से सुरक्षित पकड़कर गांव से दूर छोड़ने के दौरान बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद लोगों को सांपों के प्रति जागरूक करना है तथा सांपों के बारे में जानकारियां पहुंचाना है, ताकि लोग इन्हें अपना दुश्मन समझकर मारे नहीं अपितु इनकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए सभी जीवों का होना बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने 29 तारीख शनिवार को अपने पड़ोस के गांव मोदिनपुर से एक रेड स्नेक रेस्क्यू किया था, जो लकड़ियों में दबे होने के कारण उसको एक थोड़ा घाव हो गया था, तो हमने उसको लाकर पट्टियाँ करके अपने पास में ही रख लिया था। तो चलो देखते हैं उसको, वो पट्टी खोलने के बाद देखते हैं कैसा है, कुछ फ़र्क हुआ या नहीं हुआ है। कृपया वीडियो पूरी देखें और ध्यान से सुने, ताकि आपको इस सांप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और मैं वीडियो के अंत में कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, तो कृपया पूरी वीडियो देखें और ध्यान से सुने। ये मेरे पीछे जो हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं, ये मेरे पिताजी हैं और स्नेक रेस्क्यू के काम में मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। और अब जो ये काम करवा रहे हैं मेरे साथ, ये डॉक्टर साहब हैं, हमारे सैलून के बराबर में एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सोमवीर जी, तो जिन्होंने मेरे को इस स्नेक के ट्रीटमेंट में पूरा सहयोग दिया। नज़दीक ना आओगी तो है ही भाई इसको भी। और पाउडर डाल के खुला छोड़ेंगे। इसकी पट्टी खोल के हमने लिक्विड जो बीटाडीन होती है उससे हम साफ करके और इसके ऊपर पाउडर डाल देंगे, ताकि इसका खुरन बन के और घाव भर सके। कंडीशन में काफ़ी सुधार है, देखिए थोड़ा चल भी पा रहा है, उस समय तो चल भी नहीं सक रहा था ही, तो आज थोड़ा फर्क है देखिए। तो धीरे धीरे देखिए किस तरह से ये हरकत कर रहा है, सर कर रहा है धीरे धीरे। मैंने जो पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने एक रेड स्नेक रेस्क्यू किया था हमारे पड़ोस के गांव मोदिनपुर से, तो उसको हम आज रिलीज़ करने के लिए आए हैं। शनिवार को मैंने उसको रेस्क्यू किया था, तो उसके थोड़ी लकड़ियों के नीचे दबे होने के कारण चोट लगी हुई थी, तो उसको ट्रीटमेंट किया पट्टी वगैरह करके, तो
थोड़ा ठीक है, चलने में थोड़ा सक्षम है, तो इसको हम यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं प्राकृतिक परिवेश में, क्योंकि हमारे पास रहने से ये कम ठीक होगा और अपने प्रकृति परिवेश में घूमने से ज़्यादा ठीक होगा ये चलने फिरने से। तो जिस दिन मैंने इसको रेस्क्यू किया था शनिवार को, उस दिन मैंने इसको पट्टी कर दी थी, तो आज कुछ ठीक है ये, तो आज मतलब ये अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, तो चलो आज इसको रिलीज़ कर देंगे। तो यहाँ हम इसको रिलीज़ करने के लिए आए हैं। तो इसको हम यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, तो आराम से जी सकता है यहाँ पे। ये देखिए, तो मैं आपको एक बार चोट दिखाना चाहूँगा इसकी। ये देखिए, जो चोट थी अब जो है सूख चुकी है और आराम से जी सकता है, अब चींटियाँ इसको नहीं लगेगी। तो देखिए किस तरह का घाव हो रहा था इसके, जो अब पट्टियाँ करने के बाद बिल्कुल ठीक है, अब ठीक हो चुका है। तो इसके जो यहाँ ये हिस्सा जो है, दिख रहा है साहब वीडियो में, देख इसमें देख, इसके दोनों साइड के जो ये हिस्से हैं ये थोड़े हल्के से डैमेज से हो गए थे। तो अब जैसे मैंने इसको शनिवार से रखा अपने पास, इसके 5-6 दिन के अंदर मैंने इसके दो पट्टी कर दिए, दो पट्टियों के दौरान इसका जो है ये ठीक हो चुकी है चोट। और कल मैंने इसको शाम को खुला छोड़ दिया था, लिक्विड बेटाडीन लगा के और पाउडर डाल के छोड़ दिया था, तो ये सूख चुका है गाँव, अब इसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आनंद जी ने बताया मेरे को, जो महाराष्ट्र से हैं आनंद चिट्टी जी है और उनकी वाइफ है निर्जरा जी, वे स्नेक रेस्क्यू करते हैं और कोई घायल स्नेक हो तो उसका उपचार भी करते हैं। तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने जैसे बताया मैंने इसको किया, ट्रीटमेंट किया और अब इसको 4-5 दिन के बाद इसको छोड़ने के लिए आया हूँ, तो ठीक है ये आराम से जी सकता है। और उन्होंने बताया कि अपने पास रखने से इतना जल्दी ठीक नहीं होगा जितना कि प्रकृति में छोड़ने से ये जल्दी ठीक होगा, तो हम इसको यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं, ये आराम से जी सकता है। तो उन्होंने भी अपना एक यूट्यूब में चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम गुरुकुल एजुटेक है, जिसमें उन्होंने स्नेक रेस्क्यू की वीडियोज़ डाली हुई है। मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा, तो ये देखिए, ये देखिए, अब जैसे मैंने शनिवार को जो पकड़ा था ये, तो उस टाइम इसको बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, डैमेज हो चुका था, तो अब इतना हुआ है कि ये चलने लग गया है और अपने आप जीवन व्यतीत कर सकता है। देखिए प्रोग्राम से चल सकता है। तो मैंने इसकी आधी वीडियो जो है रेस्क्यू की और पट्टी करते हुए कि मैंने डाल दी वीडियो, तो अभी रिलीज के दौरान मैं इसकी दूसरी वीडियो डाल दूंगा। यही किस तरह से जा रहा है, चलो तुमने प्रकृति परिवेश में जा चुका है, तो यहाँ पे आसानी से रह सकता है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई जैसे इंसान हुआ, कोई जीव पशु पक्षी हुआ, जैसे कोई कहीं पे तड़फता रहता है, परेशान रहता है, कोई घायल रहता है, तो उसको लोग बाग देखते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी हालत पे छोड़ देते हैं, और सब यही सोचते हैं कि हम इसको पकड़ेंगे, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो लोग बाग हम पर हंसेंगे। लोगों बागों के ऊपर मत सोचो, अपना जो तुम्हारा जो कर्म है वो करो, इन जीवों की रक्षा करो, इन्हें बचाओ, क्योंकि भगवान देख रहा है। तो वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो इसलिए हमें इनको बचाना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, अगर तुम आगे एक कदम बढ़ाओगे तो साथ देने वाले बहुत खड़े हो जाते हैं। कि जैसे मैंने इसका इलाज किया तो मेरे साथ देने वाले बहुत खड़े हो गए थे, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने पट्टी के पैसे नहीं लिए, खर्चा नहीं लिया, उन्होंने कह दिया था कि जो खर्चा होगा मैं लगाऊंगा। तो और भी जैसे साथ दिया किसी ने, हर एक ने मेरे साथ दिया, तो ऐसे ही अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो हमारा साथ भी कोई देगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके सभी का सहयोग करें, हर जीव को बचाने की कोशिश करें, उन्हें मारें नहीं, क्योंकि हर जीव का अपने धरती पर जीने का अधिकार है और हर एक का कार्यभार बना हुआ है।
कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें ताकि औरों को भी आपकी तरह इन जीवों के बारे में जानकारी मिल सके। साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।